Now coming to the next question, which is question number 14. In the figure below, lines M and P are parallel. T is a transversal. So P और M ये दोनों parallel lines हैं और T इसके ऊपर transversal है. If angle A equals to 57 degree. So ये जो angle A है, ये 57 degree given है. We have to find angle Z. So this is a very simple question. सिर्फ इसमें जो complex हो सकती है वो ये है कि lines इस तरह से. Usually हमारे पास क्या होता है? ये दो parallel lines होते हैं और एक transversal होती है. यहाँ पे parallel lines इस shape में और transversal सीधी है. तो अगर मैं इसी को ही ऐसे लिखूं तो ये P M के parallel है, right? और ये जो T है ये हमारी transversal है. अब इस तरह से अगर parallel lines देखो तो ये angle इस angle के equal होता है एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर हम इधर देखेंगे तो यहां से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. ए जेड के इक्वल होगा और यहाँ का जो भी एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा. सो यहां से हमें पता चल रहा है कि एंगल ही एंगल जेड के इक्वल है. एंगल ही हमें गिवन है, जेड फाइंड करना है. सो सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल ही इक्वल्स टू एंगल जेड इक्वल्स टू 57 डिग्री. सो ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए था. जब हम लिखेंगे तो वी राइट इट एज जो गिवन है दैट इज एम इज पैरेलल टू पी, राइट, एंड टी इज द ट्रांसवर्सल. ओके, सो नाउ वी कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल जेड बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. सो एंगल A हमें गिवन है 57, so we can write angle Z equals to 57 degree. Correct? So हमें angle Z find करना था, that is 57 degree. Okay? So now let's move to the next question. So now coming to the next question, and as you can see, हम section number C begin कर रहे हैं. अब section number C में जितने भी questions होंगे, they are 3 marks each. So the question says, a sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at a rate of simple interest. What is the rate of interest? So यहाँ पे हमें find क्या करना है, हमें rate of interest find करना है, and हमें given क्या है. देखो, a sum of rupees 12,500. So ये जो sum given है, this is the principal amount. So हमारे पास principal given है 12,500 and amounts to rupees 15,500. So ये जो हमें 15,500 given है, this is the amount. Now we all know, अगर हम loan वगैरह लेते हैं तो कुछ time बाद हमें उस पर interest देना पड़ता है. इसीलिए जो principal होता है, जितना हमने loan लिया है amount बढ़ जाता है because इसमें interest भी add हो जाता है. इसके अलावा हमें given है time. Time is 4 years. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो find करना है वो है rate of interest, right? So, मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी पहले सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अमाउंट हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमें गिवन है. अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. सो अमाउंट इज 15,500 माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज सॉरी प्रिंसिपल इज 12,500. तो इसको अगर हम माइनस करेंगे दिस विल बी 0,0,0 एंड देन 5 में से 2 गए 3 एंड 1 में 0. तो हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3,000. ओके, नाउ वी ऑल नो कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है जो अभी हमने निकाला है, दैट इज 3,000 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है विच इज 12,500. रेट हमें फाइंड करना है एंड टाइम हमें गिवन है 4 years अपॉन 100 कर दिए, राइट. सो अभी यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लेंगे. इसके अलावा हमारे पास बचा 125 इंटू आर इंटू 4 एंड यहाँ पे है 3,000. सो आर हमें फाइंड करना है. ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे. सो आई कैन राइट इट एज 3,000 अपॉन 125 इंटू 4. सो ये आ जाएगा हमारा रेट. अब इसको कट करते हैं, ये तो हमारा 5 की टेबल से कट हो जाएगा. सो दिस विल बी 5 इंटू 2 10, 25 आएगा 5 पे एंड दिस विल बी
30 and 00. Again 5 से cancel कर सकते हैं. This will be 5. This will be 1. And ये आ जाएगा 10, 2, 0. Again 5 से हो जाएगा. 5 ones are 5. And this will be 5, 2s are 10. And हमारे पास बचा 20, which is 24. अब 4 की table से 24 हो जाएगा. 4, this is 2. And ये आ जाएगा 12. आप direct भी cut कर सकते हो, 2 की table से भी cut कर सकते हो. तो ये आ गया 6. So therefore, हमारे पास rate आ गया 6%. Rate of interest हमें find करना था, and that is 6%. Okay? So this was our question number 15. Let's move to the next question.